इंग्लैंड की खिलाड़ी ने आधी रात रविंद्र जडेजा को किए थे ट्वीट, मिलने बुलाया था। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मैच में भारतीय टीम भले ही हार हो गई, लेकिन उनके शानदार प्रदर्शन की हर ओर तारीफ हो रही है। इस मैच में इंग्लैंड की खिलाड़ी सारा टेलर भी चर्चा में रही। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने तो ये ट्वीट भी किया कि सारा पर उनका दिल आ गया। जाने सारा टेलर से जुड़ी बातें। सारा टेलर का जन्म 20 मई 1989 को लंदन में हुआ था। सारा विकेटकीपर बैट्समैन हैं और अपने फ्री फ्लोइंग स्ट्रोक प्ले के लिए जानी जाती हैं। मई 2016 में उन्होंने बताया कि वो एंग्जायटी की परेशानी है, जिसका उनकी क्रिकेट परफॉर्मेंस पर नेगेटिव असर पड़ रहा है, जिसके चलते उन्होंने क्रिकेट से ब्रेक ले लिया था। ब्रेक के बाद सारा ने अप्रैल 2017 में फिर से खेलना शुरू किया और उन्हें वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2017 के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। सारा साल 2014 में भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा के चलते चर्चा में आई थी। साल 2014 में बांग्लादेश में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में हार के बाद सारा ने जडेजा के लिए 1 घंटे में 12 ट्वीट किए थे। सारा ने 7 अप्रैल 2014 को रात 12:34 पर ट्वीट किया। इसके बाद अगले 1 घंटे में उन्होंने जडेजा को 12 ट्वीट किए। रविंद्र जडेजा को ट्वीट करते हुए जब उन्हें एहसास हुआ कि लोग उनके मैसेज पढ़ रहे होंगे, तो उन्होंने जडेजा से खुद को फॉलो करने को कहा, ताकि वो एक दूसरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकें। इसके बाद सारा ने उन्हें सुबह 10 बजे पूल के पास मिलने के लिए कहा था। जडेजा को सारा का आखिरी ट्वीट रात 1:35 पर आया। सारा के इन ट्वीट्स के बारे में कहा गया कि वो जडेजा की फैन हैं और उन्होंने केवल प्रैंक करने के लिए ये ट्वीट किए। वहीं दूसरी तरफ कहा गया कि जडेजा ने खुद उन्हें मैसेज किया था, जिसके बाद सारा ने उन्हें यह ट्वीट किए। फास्टेस्ट ट्विटर।